सूखी रोटी को चाय में डुबो के मजे लेके खा रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटमी ताकत का वजीर आजम, कभी देखा था आपने, कभी सुना था कि इतना ताकतवर वजीर आजम अपने आम पाकिस्तानी लोगों के साथ बैठ के उनकी रोटी उन्हीं के साथ बैठ के खा रहा हो, चाय में डुबो डुबो के, और देखिए लुत्फ कितना ले रहा है। दावेदार और धोखेबाज हजार होते हैं, लेकिन हकीकी लीडर सालों में नहीं सदियों में पैदा होते हैं। जब वो मुस्लिम हुक्मरान बनकर उभरा, आलमी ताकतों ने उसे निशाने पर रख लिया। जब उसने उम्मत को जगाने की कोशिश की, अपने हुकूक याद दिलाए, जालिम के आगे झुकने से इनकार किया, तो उसे इक्तदार से उतारने के लिए हर तरह की साजिशें हुई, कभी बैरूनी तो कभी अंदरूनी। मगर लीडर वही है जो हक बात कहकर उस पर डट जाए, चाहे उसके बदले उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़ जाए। और कुछ ऐसा ही हुआ। पैसों और इख्तदार की लालच में चंद मफाद परस्त आलमी ताकतों की गुलामी कबूल करके गद्दारी के मुर्तकिब हुए। एक निडर और बहादुर लीडर को मौत की नींद सुलाने का प्लान बनाया गया। इस बहादुर लीडर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी रियासत को आजाद रखना चाहता था। वो किसी से डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं था। उसने दुनिया की सुपर पावर के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया था। उसे मार देने के पैगाम भी पहुंचाए गए, लेकिन वो डरा नहीं। यहां तक कि प्लान बनाने वाले एग्जीक्यूट भी कर चुके, लेकिन वो झुका नहीं। वो रियासत और अपने खिलाफ होने वाली बैरूनी चालों को नाकाम बनाता रहा, अपनी कौम को जगाता रहा, और गुलामी किसी सूरत भी कबूल न करने का ऐलान सरेआम करता रहा। रफ्ता रफ्ता उसका नारा अवाम में मकबूल होता चला गया। देखते ही देखते उसकी हिम्मत और जुर्रत की कहानियां सारे जमाने में गूंजने लगी। शायद वो इससे पहले कभी इतना मकबूल नहीं था जितना दुश्मन की साजिश और अंदरूनी गद्दारी ने उसे कर दिया था। हां, उसकी तर्ज हुकूमत में कुछ खामियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन उसकी बहादुरी ने उसे औरों में मुमताज कर दिया था। उसने मुस्लिम हुक्मरानों को जगाने की भी भरपूर कोशिश की, इत्तेहाद बनाना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। बदकिस्मती से बैरूनी दुश्मनों के सामने डटकर खड़ा होने वाला अपने करीबी साथियों के हाथों धोखा खा गया। उसके साथ भी वही हुआ जो अक्सर हक पर चलने वालों के साथ हुआ करता है। वो शहीद हो गया। दुनिया इस बहादुर को टीपू खान के लिए प्यार देखकर इमरान खान के बेटों ने सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान कर दिया है। लंदन से कीमती तोहफा भिजवाते हुए इमरान खान के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम को हैरान कर दिया। इमरान खान के बेटे सुलेमान का मुकम्मल बयान आपको सुनाने से पहले ये भी बता दें कि दोस्तों, इमरान खान के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। रिसेंटली इमरान खान की कामयाब रैली में छोटी बहादुर मजदूर बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद इमरान खान के बड़े बेटे सुलेमान ने अपने अकाउंट पर ये वीडियो शेयर करते हुए इस बहादुर बच्ची के लिए लंदन से कीमती व्हील चेयर बतौर तोहफा भिजवाने का ऐलान कर दिया है। सुलेमान का ये पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इमरान खान Two gods, Sarakafo, Imran Khan, leader of Pakistan from Halifax, UK. May Allah protect him against all calamities and difficulties. May he live long and healthy life. Dua and well wishes from Africa. Imran Khan, mashallah, these are your two Saraka. This is the first one. And this is the second one which you are going to slaughter here. And these are kids who are here to pray for you. May Allah bless you. May Allah protect you from all calamities. And this is the show we're going to make a very special dua for you, Sheikh Lua. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Salaatu wa-Salaam ala Rasulillahi Sayyidi sallallahu alayhi wa sallam. Amen. Rabbana taqabal minna inna kanta as-samiu al-alim. Amen. Wa tub alayna ya maulana inna kanta tawwabur rahim. Amen. La ilaha illallah al-halim al-kareem. Amen. Subhanallah ar-Rahman ar-Rahim. Amen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amen. Allahumma nas'aluka mujibat rahmatika. Amen. Wal ghanimata min kulli birri. Amen. Wa salamata min kulli ithmi. Amen. Wal fawza bil janna. Amen. Wa najata minan nar. Amen. Allahumma la tadilana dhanban illa ghafatahu, wala haman illa faratahu, wala maridan illa shafaitahu, wala daynan illa qadaitahu, wala hajata min hawaij dunya wal akhirah ya lakallahu illa faramin. Allahumma jammilna bil afiyati wa salama. Allahumma jammilhu bil afiyati wa salama, wa haqqina bi taqwa wa istiqama, wa adhu min mujibati nadama, wa atina min mujibati nadama. Innaka samudua, innaka samudua.
دعاء يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الله اكبر। ये हैं नवाज शरीफ के एवन फील्ड फ्लैट्स, जिन्हें शाही खानदान ने अपने ऐशो आराम के लिए खरीदा था। और ये है अलकादर यूनिवर्सिटी की साइट के, जहां इमरान खान गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बना रहे थे। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं लंदन के महंगे तरीन इलाके में, और गरीबों के लिए अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई जानी थी जेहलम के नजदीकी इलाके सुहावा में। एवन फील्ड केस में नवाज शरीफ फड़े गए थे, करप्शन साबित हुई और 11 साल कैद भी। कौम के गरीब बच्चों को तालीम देने के जुर्म में इमरान खान पर भी अलकादर ट्रस्ट केस बना दिया गया। साबित हुआ ये फ्लैट नवाज शरीफ ने दो नंबर पैसे से बनाए थे, जबकि अलकादर ट्रस्ट केस में तो इमरान खान ने कोई जाती जागीर बनाई ही नहीं। नवाज शरीफ पर साबित हुआ था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, मुल्क से काला धन इंग्लैंड भेजा और ये फ्लैट्स खरीद लिए। जबकि इमरान खान पर केस मनी लॉन्ड्रिंग का है ही नहीं, बल्कि मुल्क में पैसा वापस लाना उनका जुर्म ठहराया गया। नवाज शरीफ पर साबित हुआ कि उन्होंने सरकार को चूना लगाया, आवाम का पैसा लूटा और इससे लंदन के फ्लैट्स खरीदे। जबकि इमरान खान पर आवाम का पैसा लूटने का नहीं, बल्कि आवाम का पैसा वापस लाने का इल्जाम है। साबित हुआ नवाज शरीफ ने किकबैक्स और रिश्वत वगैरह के पैसे से लंदन फ्लैट्स खरीदे। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और उस पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया। जबकि इमरान खान पर भी किकबैक्स लेने का इल्जाम लगाया गया, मगर किसी सरकारी प्रोजेक्ट में नहीं, बल्कि एक प्राइवेट शख्स या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से। इस केस में कौमी खजाने को एक टके का भी नुकसान नहीं पहुँचा। नवाज शरीफ का मामला सरकार से जुड़ा है। इमरान खान पर इल्जाम है कि वो एक प्राइवेट शख्स की लंदन में जब्त होने वाली रकम पाकिस्तान लाने पर उस रकम को सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया और जमा कराया उस शख्स के एक और केस में जुर्माने की मद में। बदले में उस शख्स ने इमरान खान और बुशरा बीबी के अलकादर ट्रस्ट को 50 करोड़ चंदा दिया और 458 कनाल जमीन अतिया की, मगर किक बैग्स का कोई सबूत नहीं। एवन फील्ड केस में ट्रस्ट डीड जाली करार दी गयी। इस जालसाजी पर मरीम नवाज को मजमुई तौर पर 8 साल सजा हुई थी, जबकि इमरान खान की ट्रस्ट डीड असली है, असली, इसे तो हुकूमत भी जाली नहीं करार दे रही। नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर मजमुई तौर पर 1 करोड़ पाउंड जुर्माना हुआ था। आज कल के हिसाब से ये रकम बनती है तकरीबन 3 अरब 58 करोड़ रुपए, जबकि इमरान खान पर तो केस ही कुल 50 करोड़ का है, और वो भी 50 करोड़ चंदा लेने का। नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुना था एवन फील्ड फ्लैट्स में बैठकर, जबकि इमरान खान ने अलकादर ट्रस्ट केस में जमानत का फैसला सुना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर अब भी कोई इमरान खान की जमानत पर एतराज करे। सूखी रोटी को चाय में डुबो के मजे लेके खा रहा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटमी ताकत का वजीर आजम। कभी देखा था आपने, कभी सुना था कि इतना ताकतवर वजीर आजम अपने आम पाकिस्तानी लोगों के साथ बैठ के उनकी रोटी उन्हीं के साथ बैठ के खा रहा हो, चाय में डुबो डुबो के, और देखिए लुत्फ कितना ले रहा है। दावेदार और धोखेबाज हजार होते हैं, लेकिन हकीकी लीडर सालों में नहीं सदियों में पैदा होते हैं। जब वो मुस्लिम हुक्मरान बनकर उभरा, आलमी ताकतों ने उसे निशाने पर रख लिया। जब उसने उम्मत को जगाने की कोशिश की, अपने हुकूक याद दिलाए, जालिम के आगे झुकने से इनकार किया, तो उसे इकतदार से उतारने के लिए हर तरह की साजिशें हुई, कभी बैरूनी तो कभी अंदरूनी। मगर लीडर वही है जो हक बात कहकर उस पर डट जाए, चाहे उसके बदले उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़ जाए। और कुछ ऐसा ही हुआ। पैसों और इख्तदार की लालच में चंद मफाद परस्त आलमी ताकतों की गुलामी कबूल करके गद्दारी के मुर्तकिब हुए। एक निडर और बहादुर लीडर को मौत की नींद सुलाने का प्लान बनाया गया। इस बहादुर लीडर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी रियासत को आजाद रखना चाहता था। वो किसी से डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं था। उसने दुनिया की सुपर पावर के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया था। उसे मार देने के पैगाम भी पहुंचाए गए, लेकिन वो डरा नहीं। यहां तक कि प्लान बनाने वाले एग्जीक्यूट भी कर चुके, लेकिन वो झुका नहीं। वो रियासत और अपने खिलाफ होने वाली बैरूनी चालों को नाकाम बनाता रहा, अपनी कौम को जगाता रहा और गुलामी किसी सूरत भी कबूल न करने का ऐलान सरेआम करता रहा। रफ्ता रफ्ता उसका नारा आवाम में मकबूल होता चला गया। देखते ही देखते उसकी हिम्मत और जुर्रत की कहानियां सारे जमाने में गूंजने लगी। शायद वो इससे पहले कभी इतना मकबूल नहीं था
जितना दुश्मन की साजिश और अंदरूनी गद्दारी ने उसे कर दिया था। हाँ, उसकी तर्ज हुकूमत में कुछ खामियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन उसकी बहादुरी ने उसे औरों में मुमताज कर दिया था। उसने मुस्लिम हुक्मरानों को जगाने की भी भरपूर कोशिश की, इत्तेहाद बनाना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। बदकिस्मती से बैरूनी दुश्मनों के सामने डटकर खड़ा होने वाला अपने करीबी साथियों के हाथों धोखा खा गया। उसके साथ भी वही हुआ जो अक्सर हक पर चलने वालों के साथ हुआ करता है, वो शहीद हो गया। दुनिया इस बहादुर को टीपू खान के लिए प्यार देखकर इमरान खान के बेटों ने सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान कर दिया है। लंदन से कीमती तोहफा भिजवाते हुए इमरान खान के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम को हैरान कर दिया। इमरान खान के बेटे सुलेमान का मुकम्मल बयान आपको सुनाने से पहले ये भी बता दें कि दोस्तों इमरान खान के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। रिसेंटली इमरान खान की कामयाब वैली में छोटी बहादुर मजदूर बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद इमरान खान के बड़े बेटे सुलेमान ने अपने अकाउंट पर ये वीडियो शेयर करते हुए इस बहादुर बच्ची के लिए लंदन से कीमती व्हील चेयर बतौर तोहफा भिजवाने का ऐलान कर दिया है। सुलेमान का ये पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इमरान खान Two goats, Saraka for Imran Khan, leader of Pakistan from Halifax, UK. May Allah protect him against all calamities and difficulties. May he live long and healthy life. Dua and well wishes from Africa. Imran Khan, mashallah, these are your two Saraka. This is the first one. And this is the second one which you are going to slaughter here. And these are kids who are here to pray for you. May Allah bless you. May Allah protect you from all calamities. And this is the show we are going to make a very special dua for you, Sheikh Lua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbina salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna ya Mawlana innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallahi rabbil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma nas'aluka mujibat rahmatika wal ghanimata min kulli birri wa salamata min kulli ithmi wal fawz bil janna wa najata minan nar. Allahumma la تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا مَرِيضًا إِلَّا شَفَيْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا كَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا فَرَمِينَ اللَّهُمَّ جَمِّلْنَا بِالْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ اللَّهُمَّ جَمِّلْهُ بِالْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ وَحَقِّقْنَا بِالتَّقْوَى وَالِاسْتِقَامَةِ وَاعْدُهُ مِنْ مُجِيبَةِ النَّدَامَةِ وَاعْدِنَا مِنْ مُجِيبَةِ النَّدَامَةِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رحمتك يا رحمن الرحيم رحمتك يا رحمن الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الله اكبر यह है नवाज शरीफ के एवन फील्ड फ्लैट्स जिन्हें शाही खानदान ने अपने ऐशो आराम के लिए खरीदा था और ये है अलकादर यूनिवर्सिटी की साइट के जहाँ इमरान खान गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बना रहे थे। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं लंदन के महंगे तरीन इलाके में और गरीबों के लिए अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई जानी थी जहलम के नजदीकी इलाके सुहावा में। एवन फील्ड केस में नवाज शरीफ फड़े गए थे, करप्शन साबित हुई और 11 साल कैद भी। कौम के गरीब बच्चों को तालीम देने के जुर्म में इमरान खान पर भी अलकादर ट्रस्ट केस बना दिया गया। साबित हुआ ये फ्लैट नवाज शरीफ ने 2 नंबर पैसे से बनाए थे, जबकि अलकादर ट्रस्ट केस में तो इमरान खान ने कोई जाती जागीर बनाई ही नहीं। नवाज शरीफ पर साबित हुआ था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, मुल्क से काला धन इंग्लैंड भेजा और ये फ्लैट्स खरीद लिए, जबकि इमरान खान पर केस मनी लॉन्ड्रिंग का है ही नहीं बल्कि मुल्क में पैसा वापस लाना उनका जुर्म ठहराया गया। नवाज शरीफ पर साबित हुआ कि उन्होंने सरकार को चूना लगाया, आवाम का पैसा लूटा और इससे लंदन के फ्लैट्स खरीदे, जबकि इमरान खान पर आवाम का पैसा लूटने का नहीं बल्कि आवाम का पैसा वापस लाने का इल्जाम है। साबित हुआ नवाज शरीफ ने किकबैक्स और रिश्वत वगैरह के पैसे से लंदन फ्लैट्स खरीदे, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और उस पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया, जबकि इमरान खान पर भी किकबैक्स लेने का इल्जाम लगाया गया मगर किसी सरकारी प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि एक प्राइवेट शख्स या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से। इस केस में कौमी खजाने को एक टके का भी नुकसान नहीं पहुँचा। नवाज शरीफ का मामला सरकार से जुड़ा है। इमरान खान पर इल्जाम है कि वो एक प्राइवेट शख्स की लंदन में जब्त होने वाली रकम पाकिस्तान लाने पर उस रकम को सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया और जमा कराया उस शख्स के एक और केस में जुर्माने कीमत में, बदले में उस शख्स
शख्स ने इमरान खान और बुशरा बीबी के अल कादिर ट्रस्ट को 50 करोड़ चंदा दिया और 458 कनाल जमीन अतिया की, मगर केक बैग्स का कोई सबूत नहीं। एवनफील्ड केस में ट्रस्ट डीड जाली करार दी गई। इस जालसाजी पर मरीम नवाज को मजमुई तौर पर 8 साल सजा हुई थी, जबकि इमरान खान की ट्रस्ट डीड असली है असली, इसे तो हुकूमत भी जाली नहीं करार दे रही। नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर मजमुई तौर पर 1 करोड़ पाउंड जुर्माना हुआ था। आज कल के हिसाब से यह रकम बनती है तकरीबन 3 अरब 58 करोड़ रुपए, जबकि इमरान खान पर तो केस ही कुल 50 करोड़ का है और वो भी 50 करोड़ चंदा लेने का। नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला सुना था एवनफील्ड फ्लैट्स में बैठकर, जबकि इमरान खान ने अल कादिर ट्रस्ट केस में जमानत का फैसला सुना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर अब भी कोई इमरान खान की जमानत पर एतराज करे